हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट की ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी एंड वो प्रोडक्ट है मामा अर्थ की अनियन हेयर ऑयल। मैं आज इस हेयर ऑयल की ऑनेस्ट रिव्यू एंड इस हेयर ऑयल की फुल डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ही देखना। एंड तक ही देखने के बाद इस हेयर ऑयल की फुल डिटेल्स एंड इसको यूज़ करने के बाद क्या क्या फ़ायदा होगा वो सब आपको पता चलेगी। एंड एंड तक देखने के बाद आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड साइड में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेयर केयर रूटीन में हेयर ऑयल यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हेयर ऑयल यूज़ नहीं करने से हेयर में बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आपको एक अच्छी हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए। हेयर ऑयल यूज़ करने से आपका जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की एंड उसमें नरिशमेंट भी आती है एंड आप लोग एक हेल्दी हेयर भी पा सकते। सो ऑनियन हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक इंग्रेडिएंट है। सो ऑनियन से हेयर ग्रोथ होती है एंड जो हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे से ठीक होती है। सो मेरे हाथ में है मामा अर्थ की अनियन हेयर ऑयल। सो बात करते हैं इसका आउटर पैकेजिंग के बारे में। सो आप लोग देख सकते हैं कार्डबोर्ड बॉक्स है, इसके अंदर है प्रोडक्ट। मामा अर्थ की सब प्रोडक्ट जिस कलर कॉम्बिनेशन में आती है इस हेयर ऑयल की जो बॉक्स है वो ही सेम कलर कॉम्बिनेशन में है। एंड आप लोग देख सकते हो सामने मामा अर्थ एंड अनियन हेयर ऑयल लिखा हुआ है एंड सामने अनियन का बहुत सारा पिक्चर्स भी है। फॉर हेयर फॉल कंट्रोल, ऊपर ही लिखा है कि हेयर फॉल कंट्रोल के लिए है दिस ऑयल। इस ऑयल की क्वांटिटी है 150 ml एंड इस ऑयल की प्राइस है 399 rupees, ऑलमोस्ट 400 में आपको मिल जाएगी। एंड आप लोग इस ऑनियन हेयर ऑयल को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। ऑनलाइन में आपको बहुत सारा डिस्काउंट भी मिलता है मामा अर्थ की प्रोडक्ट के ऊपर। सो आप लोग अमेजोन, नाइका, पार्प एंड मामा अर्थ की वेबसाइट से भी इस अनियन हेयर ऑयल को खरीद सकते हो। एंड इसका पीछे इसका फुल डिटेल्स दिया हुआ है, इसका की इंग्रेडिएंट, इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं एंड यूज़ करने के बाद क्या क्या होगा वो सभी इसके पीछे दिया हुआ है। एंड इसका मेन इंग्रेडिएंट है अनियन एंड इसके अंदर आलमंड ऑयल, कस्टर्ड ऑयल, विटामिन ई, अनियन सीड ऑयल, विंग रज एक्सट्रैक्ट, बहुत सारा इंग्रेडिएंट इसके अंदर है। सिर्फ ऑनियन ही नहीं है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारा चीज़ है जो हेयर को हेल्दी करने में हेल्प करती है। एंड इसके अंदर है प्रोडक्ट। सो आप लोग देख सकते हो कि एक प्लास्टिक कंटेनर में है प्रोडक्ट एंड वो ही सेम कलर कॉम्बिनेशन में है एंड वो कार्डबोर्ड बॉक्स की तरह। इस बोतल के पीछे भी इसका सब कुछ दिया हुआ है, इसका की इंग्रेडिएंट, इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका सेल्फ लाइफ, इसका प्राइस एंड डिटेल्स सब कुछ इसका पीछे दिया हुआ है। एंड मामा अर्थ एक नेचुरल ब्रांड है एंड इसमें कोई हार्मफुल केमिकल, मिनरल ऑयल, सिलिकॉन कुछ नहीं है एंड इसमें कोई एनिमल टेस्टिंग भी नहीं होती है। एंड दिस इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एक ब्रांड है एंड दिस इज़ सुइटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। आपका कोई भी हेयर टाइप्स हो इस हेयर ऑयल से भी हेयर टाइप्स को सूट भी करती है। सो इस बोतल के अंदर है प्रोडक्ट एंड सामने एक कैप है एंड इसको खोलने से यहाँ पर यहाँ से ऑयल निकलता है एंड इसका स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उतना स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, बहुत ही एक लाइट स्मेल है एंड जो ऑयल है वो बहुत ही लाइट वेट सा एक ऑयल है, बहुत ही लाइट वेट सा एक ऑयल है, बिल्कुल भी थिक नहीं है एंड वो स्कैल्प
में आप लोग जब मसाज करके यूज़ करोगे तो बहुत ही जल्दी स्कैल्प पे अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाती है। एंड आप लोग इस ऑयल को ओवरनाइट भी रख सकते हो एंड आप इस ऑयल को शैम्पू के कुछ घंटे पहले भी यूज़ कर सकते हो, फिर उसके बाद आप लोग शैम्पू भी कर सकते हो। आप लोग चाहे तो इसको हेयर लेंथ पर भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ स्कैल्प के ऊपर ही यूज़ करने से हो जाएगी। एंड इस हेयर ऑयल को यूज़ करने के बाद आपका जो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे से ठीक होती है, लेकिन एक या दो बार यूज़ करने के बाद आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगा। एंड आपको इसे 1 मंथ तक यूज़ करने के बाद ही आपको रिजल्ट दिखने में मिलेगा कि आपका जो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे से कम हो रहा है एंड आपका एकदम ही छोटा छोटा बेबी हेयर भी हो रहा है स्कैल्प पे, आप लोग हेयर ग्रोथ भी फील कर सकते हो। सो आपका जो हेयर है उसको हेल्दी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। मैं इस हेयर ऑयल को 1 मंथ से वीक में 2 या 3 बार यूज़ करती हूँ एंड यूज़ करने के बाद मेरा जो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम वो भी पहले से ठीक हुआ है, स्कैल्प में बहुत सारा हेयर ग्रोथ भी हुआ है एंड पहले से ज़्यादा जो हेयर है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड सिल्की भी हुआ है एंड उसमें एक शाइन भी आई है। सो आपका अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है आप लोग डेफिनेटली इस हेयर ऑयल को यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस हेयर ऑयल को यूज़ करने के बाद डैंड्रफ नहीं जाती है। डैंड्रफ के लिए आपको कोई दूसरा शैम्पू या दूसरा हेयर ऑयल यूज़ करना पड़ता है। इस अनियन हेयर ऑयल से आपका जो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ठीक होती है एंड उसमें एक शाइन भी आती है एंड हेयर पहले से ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। लेकिन आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने से सिर्फ एक इस हेयर ऑयल को यूज़ करने से नहीं होगा, आपका जो लाइफस्टाइल है उसको भी चेंज करना पड़ता है। आपको डेली रूल ऑफ 8 को फॉलो करना पड़ता है, 8 ग्लास ऑफ वाटर आपको पीना है एंड रात में आपको ऑलमोस्ट 8 आवर्स तक ही सोना है एंड आपका जो खाना है वो भी हेल्दी होना चाहिए एंड आप लोगों को हॉट वाटर से हेयर वॉश नहीं करना चाहिए एंड जो वेट हेयर है उसमें आपको कॉम्बिंग भी नहीं करना चाहिए। आप लोग अगर इस रूल को फॉलो करते हो तो आपका जो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे से ठीक होगा एंड साथ में इस हेयर ऑयल को यूज़ करने से वो भी एकदम से ही ठीक हो जाएगी एंड आपका न्यू हेयर भी ग्रोथ होगा। तो आपको यही सब रूल को फॉलो करना चाहिए, एक सिर्फ हेयर ऑयल के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल को भी चेंज करना चाहिए तभी आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम ठीक होगा एंड आप लोग एक हेल्दी हेयर भी पा सकते हो। सो गाइज आई होप आप सभी को दिस मामा अर्थ अनियन हेयर ऑयल की ऑनेस्ट रिव्यू एंड इसका फुल डिटेल्स की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आपको अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप लोग मुझे कॉमेंट करके भी बताना कि आप लोग इस हेयर ऑयल को यूज़ करते हो या कोई दूसरा हेयर ऑयल यूज़ करते हो एंड आप लोग मुझे कॉमेंट करके भी बताना कि आप लोगों को कैसी लगी दिस वीडियो एंड आप और किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कॉमेंट करके बताना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।